रेडी स्टार्ट। सर, व्हेन आई टेक पार्ट इन द डिस्कशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश टू पॉइंट आउट दैट द सरकारिया कमीशन वॉज नॉट गिवन ए फ्री हैंड टू एग्जामिन द डेवलपमेंट्स विच हैड टेकन प्लेस इन द लास्ट 40 ईयर्स इन इंडिया। द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। बाई द टर्म्स ऑफ रेफरेंस सर्टेन पैरामीटर्स हैड बीन फिक्स्ड। विद इन दोज पैरामीटर्स द सरकारिया कमीशन हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। देयर आर मोर देन 200 रिकमेंडेशंस। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डील लार्जली विद ऑल दीज रिकमेंडेशंस, बट एट द सेम टाइम द कमीशन हैज़ ट्राइड टू फाइंड आउट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द कमीशन हैज़ सैड दैट टू मच सेंट्रलाइजेशन बाज ऑब्जेक्टेड टू फ्रॉम द मौर्यन पीरियड टू द मुगल पीरियड। द कमीशन हैज़ स्टेटेड द फैक्ट सिमिलरली अंडर द ब्रिटिश रूल ऑल्सो सेंट्रलाइजेशन वॉज एक्चुअली ऑब्जेक्टेड टू बाई द पीपल बाई द स्टेट्स। द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वर पेनफुल्ली कॉन्शियस डैट द फीलिंग ऑफ इंडियन नेशनहुड वॉज स्टिल इन द मेकिंग एंड रिक्वायर्ड टू बी केयरफुल्ली नर्चर्ड। दे देयरफोर बिल्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर विद ए पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेसेजिंग द इमरजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इंटीग्रेटेड इंडिया। द कंसेप्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर विच इज नेसेसरी टू मीट इंडियाज इमीडिएट नीड्स वॉज वर्चुअली इन द लेटर पीरियड कन्वर्टेड इंटू द कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनिटरी स्टेट विद प्रायोरिटी फॉर द सेंटर इन ऑल केसेस। दिस वॉज द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव सेंट्रलिज्म विद ऑल पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर। इंडिया इज डेवलपिंग ऑन द पाथ ऑफ कैपिटलिज्म स्पेशली मोनोपोली कैपिटलिज्म। व्हेन मोनोपोली कैपिटलिज्म डेवलप्स इन ए कंट्री इट इज देन नेचुरल दैट द जनरल आर्ग्यूमेंट विल बी फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मोनोपोली कैपिटलिस्ट एंड ऑल्सो हेल्प द कैपिटलिस्ट सो दैट इज द नेचुरल आर्ग्यूमेंट। दिस आर्ग्यूमेंट हैज़ बीन देयर फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स बट ओवर सेंट्रलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस एंड वी नो दैट इट हैज़ टेकन प्लेस। वाट इज द रिजल्ट नाउ? मैनी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिटी ऑफ द कंट्री अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री बट वाट हैज़ हैपन्ड इन द स्टेट्स। कम्युनल फोर्सेज हैव ग्रोन डिविसिव फोर्सेज हैव ग्रोन एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री हैज़ बीन जोपर्डाइज व्हेन द पावर्स वर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर। वाई हैज़ द सेंट्रल फील्ड।
द खालिस्तान मूवमेंट इज देयर एंड देयर आर अदर मूवमेंट्स ऑल्सो सेसनिस्ट मूवमेंट्स नाउ सम पीपल आर डिमांडिंग ए झारखंड स्टेट एंड देन देयर इज ए डिमांड फॉर एन उत्तराखंड स्टेट दीज आर ऑल डेवलपिंग देयर वॉज ए सिमिलर डिमांड इन दार्जिलिंग बट फॉर्चुनेटली दैट हैज़ बीन सॉल्वड नाउ बट अदर फैसिफेरस टेंडेंसीज आर ग्रोइंग एंड द सेंटर हैज़ नॉट बीन एबल टू कंट्रोल दैम द सेंटर हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रिवेंट दैम बट दे थिंक द ओनली फॉर द सेंटर एंड नॉट फॉर द स्टेट्स दैट द यूनिटी ऑफ द पीपल हैज़ टू बी मेंटेन्ड द क्वेश्चन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इन इंडिया इज नॉट ए क्वेश्चन कंसर्न्ड ओनली विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल्स और विद प्रिवेंटिंग द वायलेशन ऑफ दोज प्रिंसिपल्स और सजेस्टिंग अ फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बट इट इज कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनिंग इंडियन यूनिटी मेंटेनिंग एंड कंसोलिडेटिंग द सेंस ऑफ इंडियननेस और इंडियन वननेस अमंग ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विद द सेंटर एज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट यूनिटी बट फॉर मेंटेनिंग दैट यूनिटी विच हैज़ अनेबल्ड अस टू कंपेल द ब्रिटिश टू क्विट द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिवार्ड इन द इंटीग्रेशन ऑफ द यूनिट्स बिकॉज द कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स कंसिस्टेड ऑफ विग टेरिटरीज ईच विद इट्स ऑन लैंग्वेज एंड हेरिटेज एंड इन दीज ह्यूज लिंग्विस्टिक नेशनल यूनिट्स दियर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ यूनिटी ग्रो साइड बाई साइड विद द इंटीग्रिटी ऑफ द यूनियन सो ए डीप थॉट हैज़ टू बी बेस्टोड ऑन हाउ टू मेंटेन द यूनिटी विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल विद द सपोर्ट ऑफ द स्टेट्स बट दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द सरकारिया कमीशन हैज़ बीन एबल टू मेक सर्टेन रिकमेंडेशंस विद इन सर्टेन पैरामीटर्स इवन विद इन दोज पैरामीटर्स टू रिकमेंडेशंस आर देयर वन इज दैट इट इज नाइदर एडवाइजेबल नॉर नेसेसरी टू मेक एनी ड्रास्टिक चेंज इन द बेसिक करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेकेंड इज दैट द इलेक्टोरल सिस्टम कैन बी कंटिन्यूड लाइक दिस इन द सेकेंड रिकमेंडेशन द कमीशन सेज दैट इट सर्टेनली कॉल्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड रिफॉर्म इन अ नंबर ऑफ aspects the actual working of the constitution leaves much to be desired it has said about the changes proposed in the financial aspects of the union indian union and the states the arrangements are far from being satisfactory it has said about the role of the governors reservation of state wills for consideration of the
president use of extraordinary powers, etc., etc. The commission has said about the Intergovernmental Council with a comprehensive size. It has said about a National Economic Development Council having a nexus with the Planning Commission, limitation of the centrally sponsored schemes, state finance and planning, etc., etc. Stop.